मनी एंड बैंकिंग पेपर का पहला टॉपिक जो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मुद्रा का परिचय है उसको पढ़ेंगे। मुद्रा के परिचय में सर्वप्रथम आता है कि मुद्रा किसे कहते हैं। सामान्य शब्दों में या हम देखें तो सामान्य व्यक्ति द्वारा मुद्रा का अर्थ क्या समझा जाता है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसके माध्यम से हम लेन देन करते हैं। उसका केवल एक ही फंक्शन उनके दिमाग में रहता है कि विनिमय। मुद्रा क्या है? केवल विनिमय का माध्यम। लेकिन अर्थशास्त्र में मुद्रा विनिमय के माध्यम के साथ साथ अनेक विशेषताओं को और लिए हुए है। अर्थशास्त्र में मुद्रा के अंतर्गत विनिमय के साथ साथ मुख्यतः तीन विशेषताएं शामिल की जाती हैं। वो है कि कोई भी वस्तु, मनी इज एनीथिंग दैट सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए यूनिट ऑफ अकाउंट एंड ए स्टोर ऑफ वैल्यू। अर्थात कोई भी वस्तु जो कि विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और संचय के साधन के रूप में कार्य करती है वह मुद्रा कहलाती है। इन तीनों के आधार पर ही मुद्रा के अनेक कार्य हैं। मतलब ये मेन मुद्रा के तीनों मुख्य आधारभूत कार्य हैं और ये तीनों कार्य ही अन्य कार्यों को भी जन्म देते हैं। अब सबसे पहले यदि हम मुद्रा को समझें या मुद्रा की पहली विशेषता देखें तो वो है कि विनिमय का माध्यम। मतलब क्रय विक्रय को सुगम मुद्रा के द्वारा ही मनाया जाता है। अर्थात मुद्रा के द्वारा ही हम क्रय विक्रय का कार्य आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट, मूल्य का मापक। इसी के द्वारा हम विनिमय कर सकते हैं। मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, ये तीनों, ये दोनों जो कार्य हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि यदि हम मूल्य का मापन नहीं करेंगे तो विनिमय कैसे करेंगे? अर्थात ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब मूल्य, हम किसी वस्तु का मूल्यांकन करेंगे तभी हम उसका विनिमय कर सकते हैं। अतः मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम, ये दोनों ही कार्य मुद्रा के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं या बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और ये आपस में संबंधित हैं। तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संग्रहण। अर्थात मुद्रा के रूप में हम भविष्य के लिए भी मूल्य का संचय कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है व्हाट इज़ करेंसी एंड मनी। साधारणतः चलन और मुद्रा, करेंसी एंड मनी, दोनों को एक ही माना जाता है। लेकिन यदि हम इन्हें गहनता से अध्ययन करें तो इन दोनों में अंतर है। सबसे पहला, करेंसी क्या है? एक संकुचित अवधारणा है जिसमें हम सिक्के और पत्र मुद्रा जो प्रचलित है उसको शामिल करते हैं। लेकिन मुद्रा में हम ओवरऑल, मतलब कॉइन्स, पेपर नोट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों ही मुद्रा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का अर्थ, या हम ये कह सकते हैं कि चलन का अर्थ ये है कि चलन